मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। ये क्या कह गए अभिषेक बच्चन? क्या सच में अभिषेक बच्चन ने करिश्मा कपूर को सदा खुश रहने की दुआ दी थी, या ये अभिषेक बच्चन के टूटे हुए दिल की आह थी कि करिश्मा कभी ना खुश रहे? आज अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है आराध्या, लेकिन करिश्मा कपूर का क्या? करिश्मा कपूर आज भी अकेली हैं। कहने के लिए उन्होंने शादी तो की, लेकिन वो शादी चंद दिनों की थी, वो टिक नहीं पाई। तमाम लड़ाई झगड़ों के बाद वो रिश्ता टूट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करेंगे करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी के बारे में। कैसे इन दोनों की लव स्टोरी परवान चढ़ी और कैसे इस रिश्ते का अंत हो गया? आखिर वो क्या वजह थी जब करिश्मा कपूर को अभिषेक बच्चन से सगाई तोड़नी पड़ी? देखिए प्रभा साक्षी की ये रिपोर्ट। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि बॉलीवुड में बच्चन और कपूर खानदान का बोलबाला रहा है। एक ही इंडस्ट्री में होने के कारण दोनों परिवारों के बीच संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता की शादी करिश्मा कपूर के बुआ के बेटे से की थी। इसी शादी में अभिषेक और करिश्मा की नजरें एक दूसरे से टकराई और शुरू हो गया प्यार का सिलसिला। ये प्यार की मुलाकातें गुपचुप तरीके से चलती रही, लेकिन अभिषेक और करिश्मा ने कभी भी अपने रिलेशनशिप का खुलासा मीडिया के सामने नहीं किया। करिश्मा 90 के दशक की सुपरस्टार थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाती थी। सलमान खान और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी नंबर वन थी। तभी अभिषेक बच्चन की भी बॉलीवुड में एंट्री हुई। फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अपोजिट करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर थी। कहते हैं कि फिल्म के सेट पर करीना अभिषेक को जीजू कह के बुलाती थी और बहन के बहाने अभिषेक बच्चन से मिलने करिश्मा कपूर भी रिफ्यूजी के सेट पर आया करती थी। अब गुपचुप से मिलने वाली खबरें मीडिया में आने लगी, खबरें छपने लगी। गॉसिप गली में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के अफेयर की खबरों का बाजार लग गया था। ये खबरें दोनों के कान तक पहुंची। परिवार के संबंध ठीक थे, इसलिए इस रिश्ते को जग जाहिर करने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई का ऐलान कर दिया। पूरी दुनिया अब इस रिश्ते की सच्चाई से वाकिफ थी। सभी अटकलों पर अब विराम लग गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इन दोनों के रिश्ते को किसकी नजर लग गई कि आज ये दोनों साथ नहीं हैं? मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करिश्मा कपूर की माँ और अभिषेक बच्चन की माँ ने इस रिश्ते को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि अभिषेक बच्चन की माँ जया बहादुरी चाहती थी कि उनकी बहू जो भी हो वो फिल्मों से दूर रहे, यानी अगर वह बच्चन खानदान की बहू बनती हैं तो उनको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। वहीं करिश्मा कपूर की माँ बबीता अभिषेक बच्चन को कुछ खासा पसंद नहीं करती थी, लेकिन करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन से प्यार करती थी। इसके दबाव में आके उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब आगे देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर और अभिषेक के प्यार को नजर किसी और की नहीं बल्कि अभिषेक और करिश्मा की माँ की लगी थी। करिश्मा कपूर की माँ बबीता अभिषेक बच्चन को कुछ खासा पसंद नहीं करती थी और लगातार अभिषेक की फिल्में फ्लॉप भी हो रही थी। वहीं करिश्मा कपूर सुपरहिट हीरोइन बन चुकी थी। बबीता को इस बात का डर था कि कहीं अभिषेक बच्चन कामयाब नहीं हुए तो उनकी बेटी के करियर का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक की माँ जया बहादुरी नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उनकी बहू फिल्मों में काम करे, जबकि करिश्मा कपूर एक्टिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए दोनों परिवारों के बीच खटास आ गई और ये रिश्ता टूट गया। करिश्मा कपूर ने अपनी माँ की बात मानी और खुद सगाई तोड़ने का फैसला किया। करिश्मा ने अचानक ही दिल्ली के एक बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और इसके साथ ही इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो इस शादी से कभी खुश नहीं रह पाई। ऐसी चर्चा थी कि संजय कपूर के अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते करिश्मा को खटकते थे।
इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो गई थी। जल्द ही करिश्मा ने घर छोड़ने का फैसला लिया और संजय से तलाक ले लिया। करिश्मा ने साल 2016 में अपने पति संजय कपूर से तलाक लेके उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो सिंगल मदर के तौर पे अपने दो बच्चे समायरा और कियान को संभाल रही हैं। अभिषेक बच्चन के साथ करिश्मा कपूर ने सगाई तोड़कर सही किया या गलत, अब ये फैसला आप करेंगे। लेकिन अभिषेक बच्चन से शादी तोड़ने की क्या वजह थी? क्या अभिषेक बच्चन का करियर का गिरता ग्राफ या जया बच्चन? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगले हफ्ते मुंबई मसाला में एक और गॉसिप के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।